आज जीवन के इस पड़ाव पर मुझे अपनी कमी पर पछतावा होता है। बंटी ने अच्छी एनिवर्सरी की है, गोरी जीए की 50 थी ना, गोल्डन जुबली। हाँ, सारे फंक्शन इन बंदे को कैसे रिसीव कर रहे हैं। फंक्शन बहुत अच्छा हुआ है, खाना भी अच्छा था। संजीव मुझे पेन हो रहा है, कंट्रोल करो, मैं किसी की हेल्प लेने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी बताइए। मेरी ना वाइफ की तबीयत खराब हो गई है, उसका बेबी होने वाला है, हमें आपकी हेल्प की जरूरत है। आइए आइए। हेलो रेनू, आइए आइए भाई साहब। मीनू जरा देखना, अंदर चले जाइए। मीनू टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं क्या होगा। टेंशन मत लो भाई साहब, मेरी वाइफ नर्स है, सब अच्छा ही होगा। बधाई हो भाई साहब, बेटी हुई है। बधाई हो भाई साहब, आपको बेटी हुई है। बेटी? क्या हुआ भाई साहब? अरे भाई साहब क्या हुआ, आप बेटी होने पे खुश नहीं हो? मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए था। तो क्या हुआ भाई साहब, बेटियां क्या बेटों से काम? मुझे इस बच्चे को कहीं अनाथ आश्रम में छोड़ना पड़ेगा। नहीं भाई साहब, आप ये बच्चा हमें दे दीजिए, हमारा कोई बच्चा नहीं है, हम इसे पालेंगे। हे भगवान, इस पर सब अच्छा कर लो। कांग्रेचुलेशंस, बेटा हुआ है। यस, बेटा हुआ है। थैंक यू सर। पापा मार्केट में होंडा की नई गाड़ी है। अच्छा बेटी, क्या प्राइस है? प्राइस 17 लाख से बाबा। इसमें पेट्रोल वर्जन? पेट्रोल डीजल दोनों में। अच्छा, नहीं सुंदर है गाड़ी तो। एक उसकी भी तो आई है, मारुति की। मारुति की अभी इतनी अच्छी नहीं चल रही है, होंडा की ज़्यादा अच्छी चल रही है। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा। नहीं, मारुति की बलिनो अच्छी है वो? नहीं, अब अच्छी नहीं आ रही, वो सेल नहीं हो रही।
अच्छा चलो देखते हैं बेटी वाली गाड़ी लेने की सोच रहे हो? नहीं कोई बात करता था उसके बाद, तो मम्मा भी आ गई तो फिर बता दो गाड़ी का। हाँ जी चलो बात कर रहे हैं अभी, देखते हैं होंडा सिटी का क्या मॉडल है। चांद कुनाल मज़ा नहीं आ रहा, बड़े दिन हो गए। कनाडा चला गया स्टडीज के लिए, मेरा पापा मैंने भी यूज़ जाना आगे की स्टडी का। मैं रिपोर्ट ये की ना तो मेरे बेटे वाली बात है रिपोर्ट। चलो मैं आज ही ना शर्मा जी से बात करता हूँ आपके एडमिशन के बारे में। एक ही तो बेटा है उसको भी बात भेज दोगे तो हम किसके सारे बैठे हैं यहाँ पे? अरे कुछ नहीं होता, वो फर्दर स्टडीज़ के लिए जा रहा है, फिर वापस आ जाएगा स्टडीज करके। जो वहाँ जाता है एक बार दोबारा वापस नहीं आता, वो वहीं पे सेटल हो जाता है। मम्मा चल मारो ना, मैं आ लूँगा। चांद टेंशन तो हमें रहेगी ना, इतनी दूर पहले कभी गया ही नहीं है। तो अब जाऊँगा ना, पता चलेगा तो कुछ करा दूँगा। फिर भी बेटा यहीं देख लेना, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। दिल्ली में कितने सारे कोर्सेज हैं, यहीं कर ले। बाहर ही जाना, जाने दो ना, ठीक है कुछ नहीं होता। आप भी उसी के साइड में स्टडीज करके फिर वापस आ जाएगा। चांद का फोन आया? नहीं अभी तो कोई नहीं आया। आपने किया? नहीं आज ट्राई करता हूँ। एक बार कर लिया करो दिन में। चलो करता हूँ आज बात। उसे भी बोला करो फोन कर लिया करे, कभी मेरे को ही कौन फोन कर लिया करे। चलो आज बात करता हूँ उससे, बहुत दिन हो गए। कहाँ तुम? रेनो? हाँ जी। रेनो? क्या हुआ? चांद ने शादी कर ली है। क्या? इस हालत के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ रेनू, अब मैं कैसे बताऊँ? उस दिन जो फैसला मैंने किया मैं मेरे लिए ही गले की हड्डी बन गया। आज मैं समझ गया कि मैं हमेशा ही गलत फैसले लेता हूँ रेनू। चांद पर मेरा हर फैसला उसे हमसे दूर करता गया। तुम हमेशा कहती रही कि वह नहीं लौटेगा, क्या हुआ भाई साहब? इनकी तबीयत खराब हो गई है, फेंट हो गई है, मेरा घर भी थोड़ा दूर है। मेरा घर पास में है, वहां ले चलते हैं। उठाइए। सलोनी बेटा, सलोनी बेटा, देखना जरा आंटी को क्या हुआ। हाँ जी पापा। ठीक है।
है बेटा। नहीं भाई साहब, सलोनी नहीं, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें कुछ ऐसी बेटी मिली। उसका तो पहले विदेश में सिलेक्शन हो गया, पर हम लोग अकेले ना रह जाएं इसलिए वो हमने छोड़ के नहीं। टेंशन मत ले भाग्यवान, मैंने भाई साहब से पहले ही पेपर साइन करा ली और वो चाह कर भी हमारी सलोनी को नहीं छीन सकते। काश मैंने अपनी बेटी को यूँ ठुकराया ना होता तो आज मैं और रेनू अकेलेपन का जीवन जीने के लिए मजबूर ना होते।